तो यहाँ पर देख सकते हो क्वेश्चन नंबर टू का ए है, डिफाइन द लेंथ ऑफ द लॉन्ग कॉर्ड, एक्सटर्नल डिस्टेंस एंड मिड ऑर्डिनेट। ये तीन चीजों को डिफाइन करना है, मतलब डेफिनेशन लिखना है, साथ साथ में उसके फॉर्मूले लिख दोगे तो और बेटर है। तो मैं यहाँ पर उसके फॉर्मूले भी बता रहा हूँ, उसके डेफिनेशन भी बता रहा हूँ। तो सबसे पहले क्या है, लेंथ ऑफ लॉन्ग कॉर्ड, तो मैं इसका डेफिनेशन यहाँ पर लिख देता हूँ, इट इज कॉर्ड ज्वाइनिंग, ध्यान देना, ज्वाइनिंग पॉइंट ऑफ कर्व टू पॉइंट ऑफ टेंजेंसी, और ऐसे लिख सकते हो T1 से लेके T2 तक का डिस्टेंस, T1 से लेके T2 तक डिस्टेंस इज अ लेंथ ऑफ लॉन्ग कॉर्ड, ठीक है, इस तरीके से लिख सकते हो। और डायग्राम में भी आप इसको बता सकते हो कि इस तरीके का कर्व होता है, ठीक है, यहाँ पे मेरा पॉइंट ऑफ कर्व होता है, यहाँ पे मेरा पॉइंट ऑफ टेंजेंसी होता है, इसको जो मिलाते हुए लाइन है इस तरीके से मेरा ये वो होता है, ये इसी को T1 भी बोलते हैं, इसी को T2 भी बोलते हैं। तो ये जो मेरा डिस्टेंस है ना, इसी को बोलते हैं लेंथ ऑफ लॉन्ग कॉर्ड, ठीक है, ये मेरा वैल्यू होती है, ठीक है। उसके बाद से नेक्स्ट जो बोला है वो क्या है, एक्सटर्नल डिस्टेंस। एक्सटर्नल डिस्टेंस कौन सा होता है, ये वाला जो होता है, इसको जो ये मिलाते हैं ना, ठीक है, ये मिला रहे हैं, ठीक है, और मेरा ये जो मिलता है और ये जो मिलता है, इसमें ये वाला जो डिस्टेंस होता है ना, ये वाला डिस्टेंस, इसी को बोलते हैं एक्सटर्नल डिस्टेंस। एक्सटर्नल डिस्टेंस मतलब आपके इसका डेफिनेशन लिखना है, कैसे लिखेंगे, मैं हेडिंग डाल देता हूँ एक्सटर्नल डिस्टेंस, ठीक है। एक्सटर्नल डिस्टेंस का डेफिनेशन लिखना है तो क्या लिखेंगे, इट इज द डिस्टेंस, इट इज द डिस्टेंस फ्रॉम द मिड पॉइंट ऑफ कर्व, ये देखो ये कर्व का मिड पॉइंट, टू पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मतलब ये जो रोड का इंटरसेक्शन हो रहा है ना, यहाँ पे PI इसको बोलते हैं, इनके बीच का डिस्टेंस, के बीच का डिस्टेंस होता है ये वाला, इसको E से इंडिकेट भी करते हैं, ठीक है, इसको E से इंडिकेट करते हैं। और नेक्स्ट वाला जो है मिड ऑर्डिनेट, क्या है मिड ऑर्डिनेट, उसको वर्स साइन भी बोला जाता है मिड ऑर्डिनेट को, इसका डेफिनेशन क्या है, द डिस्टेंस, ये बता देता हूँ, यहाँ से लॉन्ग कॉर्ड का बिटवीन और मिड कर्व के बीच का डिस्टेंस जो होता है ना, इसको मिड कर्व बोलते हैं, मिड ऑर्डिनेट बोलते हैं। मैं लिख भी देता हूँ, द डिस्टेंस बिटवीन मिड पॉइंट ऑफ लॉन्ग कॉर्ड और के मिड पॉइंट एंड द अपेक्स पॉइंट सी इज कॉल्ड, ये अपेक्स पॉइंट होगा सी, इज कॉल्ड मिड ऑर्डिनेट। और इसी को एक और नाम जानते हैं, वर्स्ड साइन भी बोलते हैं, वर्स्ड साइन भी बोलते थे, ये भी याद रखने का डेफिनेशन, अगर ये पूछे तो इसका नाम आपने दे देना है, ठीक है, वर्ड साइन अगर पूछे तो इस तरीके से अपना ये भी नाम लिख के बता देना है, ओके। तो ये था क्वेश्चन नंबर टू के तीनों डेफिनेशन, टू का ए है, उसके बाद से नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा टू का बी रहेगा। देखते रहिए और अपने दोस्त मित्रों को शेयर करना ना भूले, आपके एक शेयर से दूसरे का भविष्य बदल सकता है। धन्यवाद।